मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के ग्राम भगौर गांव में भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां का रहस्य जानने के लिए कैमरा 24 की टीम पहुंची। माना जाता है कि मंदिर क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा है, जिसके माध्यम से ही राजा महाराजा और संत उज्जैन जाते थे। लोगों का कहना है कि भगौर गांव का यह मंदिर पौराणिक काल का बना हुआ है, जहां भृगु ऋषि संत तपस्या करते थे। वहीं गुफा के बारे में बताया गया कि इसके अंदर तीन प्रकार की भभूत निकलती है। ये गुफा तो बहुत पुरानी है, सप्त ऋषि में महाराज थे जो भृगु ऋषि महाराज थे, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी यज्ञ हुआ था और उन्होंने महान तपस्या की थी। और यहाँ बताते हैं लोग पुराने के इसी गुफा से महात्मा जी उज्जैन जाते थे। और भगौर गांव की विशेषता ये है कि भृगु ऋषि महाराज के नाम से पूरा गांव भगौर बसा हुआ है। और यहाँ पर चैत महीने की 11 को मेला भी लगता है, बहुत बड़ा भारी। और यहाँ पर चंबल नदी के पास में होने से महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ भी किया था और ये स्थान उनके नाम से फेमस है। बहुत पुरानी गुफा है, सत्युग की बात है। महाराज ने तो बताते लोग यहाँ से महाराज डायरेक्ट उज्जैन जाते थे। अब ये बबूत जो महाराज के टाइम पर उन्होंने यहाँ पर वो जो तपस्या की थी, यज्ञ किए थे ना, तो आज भी जाते हैं अंदर तो तीन तरह की वो बबूत मिलती है। और आज भी इतनी शानदार बबूत मिलती है जैसे आज की ताजे यज्ञ की निकलती है, और वो भी तीन कलर में मिलती है आज भी। माना जाता है कि भगवान शिव की इस ग्राम पर विशेष कृपा है, जिसके कारण ही हर वर्ष यहाँ महाशिवरात्रि पर भंडारा आयोजित किया जाता है। भृगु ऋषि महाराज तपस्या की थी उस जमाने का है। क्या विशेषता है यहाँ पे? यह विशेषता ये है कि ये नीलकंठेश्वर महादेव और माँ जगदम्बा चंबल नदी उगमणी हुई थी। और शिवरात्रि का भी बहुत अच्छा उत्सव होता है, अच्छा बहुत बढ़िया उत्सव होता है। करीब करीब 10,000 पब्लिक आती है। हाँ, सुबह में भोजन प्रसादी का रहता है, अभिषेक रहता है, उज्जैन से ब्राह्मण देवता आता है। बता दें कि यह मंदिर चंबल नदी के पास स्थित है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष तौर पर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर और आधुनिक गुफा को देखने के लिए यहां लोग आते हैं।